दोस्तों ये जो स्क्रीन पे आप मशीन देख रहे हैं ना, उसके वुड टर्निंग लेथ मशीन बोला जाता है। दोस्तों लकड़ी से रिलेटेड आप लोग, मैंने कुछ वीडियो डाला था उस पर, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं ना कि मन कर रहा है कि आपको और एक शानदार बिजनेस आइडिया बता। मात्र 6,000 रुपये की मशीन है, कमाल का मशीन है भैया, देखोगे तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। तो जरूर सी इस मशीन को देखना। पहले क्या होता था कि आदमी हाथ से इस तरह का खाड़ बनाता था, पर ऐसा मशीनरी लाए हैं जिसको आप देख के कहोगे वाह क्या मशीनरी है। दोस्तों आजकल वुड क्राफ्ट का ट्रेंडिंग है, जहाँ भी हम लोग देखते हैं वुड क्राफ्ट का आइटम हम लोग जरूर खरीद लेते हैं, ताकि हम लोग अपने घर में इसे एंटिक पीस की तरह सजा पाएं। पर आपको पता है कि इसके जब हम लोग खरीदते हैं तो बहुत अच्छा खासा जेब ढीला करना पड़ता है, और ये दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत होता है, पर इसको जो बनाने में कॉस्ट लगता है ना वो बहुत कम लगता है। आप देखोगे कि वो लकड़ी मात्र 2-4 रुपये की होती है, पर बनाने वाला कारीगर ज़्यादा लेता है, क्योंकि उसमें जो क्राफ्टिंग होता है वो बहुत महंगा होता है। आप कहोगे कि उसमें टाइम तो बहुत लगता है इसलिए उसकी दाम ज़्यादा होता है, लेकिन हम इस तरह की मशीन लाए हैं दोस्तों कि जिसमें टाइम भी आपका बचेगा और साथ ही साथ बहुत कम दाम में आप इस तरह की कारीगरी सीख के बहुत अच्छे अच्छे एंटिक पीस बना पाओगे। दोस्तों हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या कमी है ना, क्योंकि मशीनरी लोग यूज़ नहीं करते हैं, लोग अपने हाथ से काम करते हैं, टाइम टेक्निक ज़्यादा लगता है, इसलिए प्रोडक्शन कम होता है। जब प्रोडक्शन कम होगा तो उसकी मशीनरी या उस तरह के प्रोडक्ट का आपका रेट तो डिमांड होगा ही होगा। तो अगर मान लो कि इस तरह का अगर मशीन से आप करते हो तो एक दिन में 100 बनाओगे, अगर आप हाथ से बनाते हो तो ये 10 भी नहीं बन पाएगी। तो आइए ना इस मशीनरी के बारे में जानते हैं कि आखिर ये मशीनरी कितने का आते हैं और कहां से आते हैं और इससे क्या क्या एंटिक पीस बनाए जा सकते हैं। ऐसे भी हम लोग जब भी मार्केट में जाते हैं तो एंटिक पीस खरीदने का बहुत ही भूत सवार होता है। जैसे आप जाओगे बाजार में तो आप देखोगे अरे यार ये तो मिल रहा है, वुड का है, चलो खरीद लेते हैं। अब इस तरीके का जो आइटम आपको मार्केट में मिलेंगे काफी कॉस्टली होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 तक भी होते हैं। पर इस तरीके की जो इसमें जो रॉ मटेरियल लगते हैं वो बहुत कम दाम के होते हैं। तो आइए आज एक ऐसे मशीनरी को एक्सप्लोर करेंगे कि रॉ मटेरियल कम लगेंगे और आप कुछ अच्छा खासा कारीगरी सीख लेते हैं तो इस मशीनरी से आप एकदम उत्पाद मचा कर रख सकते हैं। चलिए भाई लोग आपको आज मिनी वुड टर्निंग लेथ मशीन के बारे में बताएंगे, एकदम चुनमुनिया से मशीन है। उसको पहले हम लोग अनबॉक्स करते हैं, क्योंकि जब इसको मैंने मंगाया था ऑनलाइन ऑर्डर करके तो कुछ इस तरीके के बॉक्स में पैक आ रहे हैं, तो चलिए इसको पहले अनबॉक्स करते हैं। फाइनली हमारे चैनल पर भी अनबॉक्सिंग वीडियो आ ही गया, पर यहाँ पे कोई गैजेट का अनबॉक्स नहीं हो रहा है, यहाँ पे मशीनरी ही अनबॉक्स हो रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि अनबॉक्स करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का एक पावर एडॉप्टर मिल जाता है, उसके साथ साथ ही यहाँ पे कुछ केबल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपका केबल का जो पिन होता है वो लगा हुआ है। तो ये तो आपका हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं पावर, जो कंट्रोल पावर सप्लाई होता है, इसको स्पीड कंट्रोल उसी से होता है। और साथ में साथ ये आप देख पा रहे हो ये आपका चुनमुनी एकदम छोटी सी मशीनरी मिल गई आपको, जो कि देखने में काफ़ी एकदम से यूनिक है। तो इसको प्लास्टिक से बाहर निकालते हैं, निकालने के बाद आपको कुछ इस तरीके की मशीनरी दिखती है, और जो यहाँ पे ये जो रोटेट कर रही है इसको हम लोग एक्चुअली चक बोलते हैं, ड्रिल चक। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो मात्र एक बीता का मशीन है, मतलब आप अपने पाम से नापोगे तो मात्र एक पाम और 4-5 उंगली की आएगी। तो इतनी छोटी मशीन है, कीमत भी काफ़ी कम दाम है यार, मात्र 5-6 हज़ार की, जो मैं आगे बताऊँगा। इसके साथ साथ क्या मिली है, तो यहाँ पर कुछ एसेसरीज मिल जाती है, और यहाँ पर आपको मिल जाती है जो कि कॉपर कार्विंग नाइफ, जो कि आपको दिख रहा है हाथ में, इसको नाइफ बोला जाता है, कार्विंग नाइफ। और यहाँ पे कुछ एसेसरीज मिलती है जो कि आपको आगे में दिख रहा है। दोस्तों इसको अंदर से खोलोगे तो इसमें आपको कुछ मिल जाते हैं नीडल्स, और साथ में साथ रिंच मिल जाते हैं, जो कि रिंच यहाँ पे नट कसने के लिए काम आते हैं। और रिंच भी इसमें अलग अलग तरीके का रिंच है, हेक्सा सैंक रिंच हो गया या कलेट रिंच हो गया, तो मैं आगे बताऊँगा। यहाँ पर कुछ नडल मिल जाते हैं, और इस रिंच से आप क्या करोगे कि इसको खोल के और फिर कस भी सकते हो। ये दो तरफ से ही कसाता है, और यहाँ पर जो इसके नट रहते हैं उसी को ये फिक्स करने के लिए होता है। और ये एक्चुअली जो आपका टेबल होता है उसमें आप जब वहां पे लकड़ी लगाओगे तो वहां पे फिक्स करने के लिए इसे रिंच से आप कसोगे। तो देख पा रहे हो यहाँ पे कितना चुनमुनिया है, और इसकी बॉडी भी मेटल की है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि काफी टफ बॉडी है और अच्छा है। अब यहाँ पे ऊपर में जो इसको मिल जाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कि टॉप, टेबल टॉप बोलते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और काफी एकदम छोटी सी चुनमुनिया जो कि हाथ में आ जाती है, और ये कहीं भी पोर्टेबल भी हो सकती है। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए आए हो तो मैं इस चैनल के बारे में बता दूं कि इस चैनल का टैगलाइन प्रयास है, तो हमारी प्रयास रहती है आप तक अच्छी वीडियो पहुंचाने के लिए। तो आप ये भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटा दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी आप पे नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो ये मशीनरी की जो आप लेंथ देख पा रहे हो, तो यहाँ पर लेंथ कितनी छोटी है, तो मात्र आपका 14 इंच की आपकी इसकी लेंथ होगी, और हाइट तो बात करो तो मात्र 3 से 3.5 इंच की है। आइए इसकी प्राइस जान लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैं एक वेबसाइट पर आपको ले आया हूँ, यहाँ पर यही मशीनरी
की कीमत मात्र 5,649 रुपये है, मतलब 5,500 रुपया 5,000 की प्राइस। और काम आगे मैं बताऊंगा, अब काम बहुत बड़ा बड़ा काम करता है, जैसे कि यहाँ पे अमेजन पे देख पा रहे हो ये सारी इसके साथ जो एसेसरीज है इसके साथ मिल जाती है दोस्तों आपको। तो ये तो हुआ आपका अमेजन पे, जो कि आप इजिली सर्च कर लो। अगर इसके बड़ी आप मशीन लेते हो तो ये होती है जो लेथ मशीन होती है, इसमें आपको बड़ी बड़ी आपका वुड कार्विंग करके देगी। तो इसकी कीमत आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे महंगी है, इसकी कीमत 40,000 के लगभग है। और एक और मशीन है इसकी कीमत 20,000 है, ये भी वुड टर्निंग लेथ फ्लोर मशीन है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी बड़े बड़े कार्विंग बनाती हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगा। पर सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि ये जो 5600 वाली मशीन है ये क्या कमाल करती है। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो इसके साथ जो पावर अडॉप्टर मिलती है, तो एक्चुअली ये जो स्पीड कंट्रोल पावर सप्लाई होती है, इसमें 7 लेवल की पावर सप्लाई होती है। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ाओगे स्विच को, वैसे वैसे आपका जो इसके RPM है, रोटेशन है और स्पीड है बढ़ते जाएंगे। एक्चुअली 7 स्टेज में इसका आप स्पीड बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक स्विचेज होता है जो ऑन ऑफ करने के लिए होते हैं, और ये जो इसमें साथ में मिलती है इसको हम लोग कार्विंग नाइफ बोलते हैं। मतलब एक्चुअली ये कॉपर की होती है, ये फाइन कार्विंग करती है, और ये जो रिंच होती है इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्ट रिंच। और जो इसमें और एक रिंच मिलती है इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सैंक रिंच। और इस रिंच से क्या होता है कि जो हमारा चक एक्सिस होता है उसके यहाँ पे जो नट होता है उसको हम लोग कस जाते हैं। यहाँ पे कुछ और नाइफ मिल जाते हैं, इस नाइफ की मदद से हम लोग एक्चुअली ग्रोविंग करते हैं, और उस पर जो कारीगरी हम लोग करना चाहते हैं वो इजिली कर सकते हैं दोस्तों, जो कि मैं आगे करके आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा, आप परेशान न होना। और आगे इसमें आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कुछ ब्लेड आपको ज़रूरत होते हैं, ब्लेड के साथ साथ यहाँ पे एक सरेस होता है। सरेस इसलिए क्योंकि चिकनापन आने के लिए, ऐसे जो लकड़ी पे रेशा होते हैं अगर सरेस घसीस दोगे तो वो चिकना हो जाता है, जो मैं आगे आपको एकदम अच्छे से प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। यहाँ पे एक लकड़ी लेते हैं, इस लकड़ी की कीमत क्या होगी यार, 1 रुपया होगी या 2 रुपया। ये लकड़ी का जस्ट टुकड़ा है जो कि आपको कहीं भी मिल जाता है। आप अगर घर पर फर्नीचर काम करोगे तो ऐसे ऐसे लकड़ियाँ तो फेंकना होता है, पर इस लकड़ी से हम लोग क्या करके दिखा सकते हैं वो आप आगे डेमो में देखना। और पसंद आए तो दोस्तों मैं शेयर जरूर करना। मैं एक छोटा पहले मशीनरी दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं 2 और मशीनरी का वीडियो लेके आऊँगी जो कल और परसों आएगा, उस दोनों वीडियो को जरूर से देखना, पर पहले इसका कमाल देख लो। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इस लकड़ी के टुकड़े को इसके साथ हम लोग टाइट कर दिए। अब जो ये रिंच है इसके मदद से इसको कस दिए। अब कसने के बाद क्या होगा कि ये इजिली एक्सिस की तरह टाइटली फिक्स हो गया। इसको हाथ से भी हिला के देखोगे तो एकदम टाइटली फिक्स हो जाता है। अब इसमें कोई भी तरह का टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। अब क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको जब फिक्स हो गया तो आपको किस तरीके का उस पर आपको कार्विंग करनी है वो आपको सोच लेना है। तो यहाँ पे उस तरीके का आपको नाइफ लेना है, उस नाइफ से उसको यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे पावर सप्लाई दिया गया तो यहाँ पे देख रहे हो कि नाइफ यूजली यूज होने लगा। और नाइफ होने के बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपका जो एक टेबल मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटल सॉ टेबल टॉप, उस पर आपको क्या करना है कि नाइफ को रखना है, और जिस तरीके का आपको उस पर कारीगरी करनी है या उस पर गोल बनाना है या वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनानी है वो आपको अलग अलग यहाँ पे मिल जाते हैं नाइफ, उसके मदद से आपको काम करनी होती है दोस्तों। दोस्तों आप बोलोगे कि इतनी छोटी मशीन क्या काम करेगी यार, जो काम चाकू करती है वो काम तलवार नहीं कर सकती। ये स्मॉल वुडन क्राफ्ट की आजकल क्रेज है, तो स्मॉल वुडन क्राफ्ट आप बनाओगे ना तो उसमें काफ़ी फायदे हैं। अगर आपकी जो लागत है रॉ मटेरियल उसमें ना के बराबर है, 5 रुपये भी नहीं लगते और 500 रुपये में बेचते हैं। पर करना क्या होता है कि आपको आराम से इसको क्राफ्टिंग करनी होती है, मेहनत नहीं लगेगा। जब आप इसमें ज़्यादा सीख लोगे तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आगे बताऊँगा कि जैसे शतरंज की जो गोटियाँ होती हैं ना वो इसी मशीन से बनती हैं। छोटी छोटी जो मान लो कोई बड़ा वुडन क्राफ्ट हो उसमें छोटे छोटे भी पार्ट्स होंगे, उस छोटे पार्ट्स इसी मशीन से बनते हैं। जो बड़ा पार्ट्स होगा उसके लिए तो मैं मशीनरी इस वीडियो पर ला ही रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो कि सरेस से इसको चिकना कर दिया गया ताकि देखने में काफ़ी एकदम चिकना लगे। तो यहाँ पर जो सरेस पेपर होता है जो आपको पता है वो यही इसको यूज किया जा रहा है, काफ़ी इसको अच्छे तरीके से कार्विंग किया जा रहा है। कितना टाइम लगा, 2 मिनट में आपको ये बना के दे दिया। अब ये तो एक यार नमूना है, ऐसे ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें इसको बना सकते हो। ये प्रोजेक्ट एकदम छोटी प्रोजेक्ट है, पर ये जो मशीनरी है इसकी काम 5,000 रुपये। आप बोलोगे कि ये लेके क्यों हमको फंसा रहे हो यार, तो मैं आपको बता दूं कि मैं फंसा नहीं रहा हूँ। ये आप मशीनरी आप घर बैठे हो, कोई काम कर नहीं रहे हो, जॉब है नहीं, तो यार इस तरीके के छोटे छोटे वुडन क्राफ्ट आप बना के अपने बाजार में निजी बाजार में बेचोगे और काफ़ी अच्छे प्राइस में बेचते हैं। जो आप डेकोरेशन वाले दुकान होते हैं या कोई गिफ्ट कॉर्नर होते हैं वहाँ पे देखोगे कि इस तरीके का जो प्रोडक्ट होता है वो 1,000 रुपये में बिकता है, खरीदने वाले खरीदते हैं। और मैं आगे भी बताऊंगा कि इससे बड़े बड़े जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनते हैं, वो मशीनरी आपकी ज़्यादा कीमत की जो 40,000 की थी उसके बारे में भी
लेकिन ये देखो कितना गजब का प्रोजेक्ट है यार, एकदम छोटा सा चुनमुनिया टाइप का है यार, देखने में तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जो इससे प्रोडक्ट बनते हैं ना अलग अलग तरीके के यार, वो कार्विंग देखो उसके अंदर के देखो कि कितने अच्छे की कारीगरी है और डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है। और क्या हुआ, ये आपने हाथ से ये बना, ये होममेड भी है और आपका हैंडमेड भी है, तो ये काफ़ी अच्छी कार्विंग बनाती है। और इसकी कीमत मात्र 5500 रुपये की है। और जो बड़ी मशीनरी है उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही दोस्तों, जैसे कि आप नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो देखोगे वहाँ पे आप देखोगे कि ये बड़ी सी मशीनरी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये बड़ी सी मशीनरी है, इसमें बड़ा बड़ा वुडन का कार्विंग हो रहा है। तो यार ये मैं बता दूँ कि इसको CNC वुडन कार्विंग बोलते हैं। और एक और जो मैं बताया वुड टर्निंग लेथ मशीन, उसकी कीमत जो 25,000 के लगभग बता, उसके बारे में भी एक और वीडियो कल आएगी। और जो ये CNC मशीन है, ये जो गजब तरीके की बना रही है, इसके बारे में परसों आएगी। तो वो दोनों वीडियो को जरूर से आप देखना कि इस तरीके का मशीनरी कैसे 10 मिनट में इतना सारा प्रोडक्ट बना देती है। और इसमें कोई आदमी नहीं लगा है, ये ध्यान देना आप लोग, ये मशीन ही अपने आप कार्विंग कर रही है, इसमें कोई आदमी नहीं लगा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जरूर से एक लाइक कर देना यार, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अलग अलग मशीनरी एक्सप्लोर करते रहता हूँ। और अगर दोस्तों को इस फैमिली के साथ जोड़ोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जितना लंबा फैमिली हो उतना ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए और इस चैनल पे इतना सारा प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।